हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में जो वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की, उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे आप एक पिक देख सकते हो और ये है आरटीआई की, जो कि डाली गई थी जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट कितनी आपके पास वेकेंट है उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 298 है और एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है 262। तो यहाँ पे तो टोटल 36 वैकेंसीज थी, तो मतलब ये टोटली अनएक्सपेक्टेड ही है कि मतलब सिर्फ इतनी कम वैकेंसीज है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत ज़्यादा मेंशन करी गई थी और यहाँ पे सिर्फ 36 है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर 36 है तो यहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है वहाँ पे 45% जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, मतलब 18 पे आप ऐसा रख लो कि 15-16 वैकेंसीज होंगी, तो अनरिजर्व्ड की 7-8 रख लो टोटल वैकेंसीज जो कि इस टाइम पे है जल शक्ति विभाग में, ठीक है। और 2000 इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में IPH के लिए एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उसके बाद अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना कोई वैकेंसीज हुई हैं, ठीक है। तो आपको मैंने JEE का तो बता दिया है कि JEE की जो करंट वैकेंसीज हैं जल शक्ति विभाग में वो 136 हैं और असिस्टेंट इंजीनियर की 36 हैं। और इसके बाद एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि PWD में करंट कितनी वैकेंसीज चल रही हैं जूनियर इंजीनियर की और असिस्टेंट इंजीनियर की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए।